आज 26 सितंबर 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। बहुत काल का अभ्यास, अपने आप शरीर से डिटैच हो रहे महसूस करेंगे। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ। ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा के साथ हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाबा से पवित्रता का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। जितना जितना ये पवित्र प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, उतना उतना मुझ आत्मा का दीपक जगते जा रहा है। मेरी चमक बढ़ते जा रही है। चलते फिरते यही अटेंशन रहता है कि बुद्धि योग एक बाप पर ही एकाग्र रहे। अपना सब कुछ मैंने शिव बाबा के ऊपर कुर्बान कर दिया है। देह और देह के सभी संबंध भूल चुके हैं। श्रीमत पर चलकर, कुसंग से बचकर, सदा ईश्वरीय संग में रहने के कारण सभी विकारों रूपी भूत वश में हैं। सदा बाप की श्रीमत पर चल, आज्ञाकारी और वफादारी बनने के कारण बाबा की दुआएं मिल रही है। सदा आत्मा रूहानी खुशी में रहकर रूहानी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाती रहती है। दूसरों की गलती भी अपनी गलती समझने के कारण हर एक को स्वीकार करना सहज हो रहा है। बाबा की याद से रावण के एक-एक सिर कटते जा रहे हैं और बाबा के सभी गुण शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन रही हूँ और बाबा मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख के बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, आपने कल्प कल्प सदा श्रीमत पर चलकर अपना पूरा अटेंशन एक बाप के ऊपर रखा है। बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाने वाले, बेहद की पवित्रता धारण करने वाले और बाप के प्यार में स्वयं को टर्न करने वाले आप संपन्न और संपूर्ण आत्मा हो। निरंतर बाप की याद में रूहानी वाइब्रेशन फैलाकर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले महान आत्मा हो।
आपकी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।